ए जिंदल, यहाँ वहाँ कहाँ चला वो तारा माँ इंतजार कर सुनाए घाट पर। कितने का है बाजार? 30 रुपया का। तो बहुत तेज आवाज कर। हाँ मतलब 20 लाख में बहुत तेज आवाज जैसे करबो करता है। मजा आ रहा है बजा के? की का हुआ है? अच्छा हाँ मजा बहुत आता है, इतना मजा कि बता ना सके। अच्छा जान ना हमारे गुड बहुत भाई, तब तक हाँ देख भाई देख ली बढ़िया मोबाइल दे, बढ़िया मोबाइल दे, बजाई थी बजाई थी। अखिलेश यादव खिलेगा। योगी जी फिर से आएंगे बहुत बहुमत से आएंगे। सब अखिलेश यादव योगी कुलमिला ही नहीं है, क्यों ऐसे कहता है? योगी नहीं है लेकिन वो आवे योगी आ गया तो फिर योगी नहीं है सर, है परमपिता परमेश्वर है। हमारे राज में अब कोरोना गया, अब कोरोना जहाँ से आया था वहाँ गया। कहाँ से आया था? अरे जहाँ से आया था। देखिए हम ये नहीं कहते कि सपा सरकार बहुत बुरी है, उसने अपने टाइम पे काफी कुछ अच्छा किया। ये पहले ये पूछिए ये हिंदू है कि कोई और हिंदू मुस्लिम से कोई बात नहीं। इलेक्शन कवरेज में अनकट उत्तर प्रदेश आया है। इसी सिलसिले में हम अयोध्या पहुंचे। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ पे पंचकोसी परिक्रमा चल रही है और उस परिक्रमा में लाखों की भीड़ पहुंची है। उसमें हर तरह के लोग हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक और यूथ भी। तो उसी यूथ से बात करेंगे और समझेंगे कि धर्म के अलावा के जो मुद्दे हैं इस चुनाव में वो क्या हैं, और जो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। नाम क्या है? अजीत पासवान। हाँ सर यही बगल बगल से ही बूथ। हाँ बस यही बगल एकदम पड़ेगा बस। कैसी चल रही परिक्रमा? अरे परिक्रमा मतलब भीड़ भाई मतलब परिक्रमा ये सब ये मतलब बहुत है असली बात तो करे होते अब जनते नहीं पीढ़ी लौटे कैसे देखते हो यार देख लियो यार अब मतलब बस यही सब बात मौका दिया जाए। अनुराग श्रीवास्तव आर्टिस्ट प्रभारी हिंदू यानी नगर नवाबगढ़। आप क्या पूछना चाहते हैं भैया? इतने जिम्मेदार पद पे मास्क लगवाना सब मास्क सब हम कैसे लगवाए बताइए? आदमी हो खुद ही बता रहे हो कोई मास्क लगाया नहीं है तुम्हारे राज में। हमारे राज में अब कोरोना गया, अब कोरोना जहाँ से आया था वहाँ गया। कहाँ से आया था? अरे जहाँ से आया था। नहीं हो जाएगी तो हो जाएगा कोरोना तो मौत आती तो इंसान के मौत आती है तो इंसान कैसे योगी से शिकायत कर देंगे। योगी जी 2022 में फिर से आएंगे हम लेकिन तुम्हारे पास से आएंगे तुम्हारे कंप्लेंट कर देंगे कि नेता मिला आपका मास्क नहीं गलत गलत बोला थे। नहीं है यार अगर मिल जाए अगर मिल जाए उनके जान से मार दी। योगी जी फिर से आएंगे बहुत बहुमत से आएंगे। योगी कुलमिला ही नहीं है क्यों ऐसे कहते हैं? योगी नहीं है लेकिन वो आवे योगी आ गया तब तो फिर योगी नहीं है सर, है परमपिता परमेश्वर है। आराम से योगी नहीं है आपकी दीदी भैया या दीदी कोई भी भैया जिंदाबाद। योगी नहीं है, योगी नहीं है चाहे जी आज चल जाए लेकिन योगी जी काहे काहे अरे काहे बताए दी मतलब हमारा नुकसान कराए दे हमारे सबका नुकसान कराए दे। अरे अब रोड पे पछवा टहरा था उनके चक्कर में नहीं मर जाते। अबे चल पछवा चक्कर में तीन लौंडे मतलब एनसीसी कर रहे नौकरी पावला रे और महबूब पंचमन तीनों लौंडे मर के पछवा चक्कर में। अब बताओ मतलब अब पछवा मतलब कोई फायदा होगा? अब महंगाई मतलब बताओ पेट्रोल डीजल 100 रुपए के ऊपर फेंक पेट्रोल डीजल 100 रुपए 100 रुपए के ऊपर और सर सरसों की यहां पे मार दिया बछवा। हां एक सर यह हमारा है बछवा सरसों तेल 200 रुपया हो के बाद के खाए बताओ। और यहां दिवाली रही मतलब जितना यहां पैसा लगा अगर गरीब का भी बांट दे तो कितना फायदा होता है। अब मैं तेल यहां हम रहा करू सरसों तेल अब बताओ मतलब गरीब खा भी ना मरते। कहां गए वो युवा वाहनी वाले बचाओ वाले का? ये पहले ये पूछिए ये हिंदू है कि कोई और? अरे सुनो हिंदू मुस्लिम से कोई बात नहीं। आहिर 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 रिकॉर्डिंग आहिर अरे आहिर मतलब ये योगी वाले उनके लिए योगी नहीं जाति वाले हमके लिए योगी उनके लिए हरा ऐसे योगी है यार।
एक सपा वाले का सपोर्टर खड़ा है और बीजेपी का भी सपोर्टर खड़ा है ना। एक सेकंड बस, ये सवाल का पहले ईमानदारी से जवाब देना, फिर उसके बाद है ना कुछ कि लाखों की भीड़ है, तुम लोग दोनों अगर मतलब पार्टी सपोर्टर हो तो शहर के लोगों को मास्क नहीं लगवाना चाहिए था। अब पहली बात मास्क मतलब कोरोना है ना, कहां से मास्क लगे, कोरोना हमें लगे लिए क्या, हम देखिए कोरोना बट क्यों ना सिर्फ जो योगी रहे तो झूठ है। अब देखो इलेक्शन है, अब करो इलेक्शन ना हो तो कोरोना खत्म, जब मतलब कहूँ कोनो मतलब पार्टी वाल्टी मतलब क्यों मतलब कोनो मतलब कुछ कर दे कोनो कार्यक्रम तो कहीं कोरोना बटे और वही करिए तो कोरोना ना। देखो इलेक्शन ना हो तो कोरोना खत्म होगा, उन्हें पीछे कोरोना खत्म। अधिकतर लोग मास्क लगा के ही आए थे अनपढ़ जाहिल गवार रहा वही लगा कह रहा, अखिलेश यादव वाले से मास्क नहीं लगाए थे समाजवादी, मतलब अखिलेश यादव वैसे क्यों ना, मतलब मोदी वाले सब योगी वाले सब लोग भाजपा वाले सब लोग मास्क लगा के हम भी अभी तो क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं देखो देखो योगी योगी वाले वो सकल एक बार सपा के सपोर्टर जोर से नारे लगाएंगे, एक बार बीजेपी वाले देखते हैं किसमें ज्यादा दम है पहले, मतलब जी बीजेपी को लगाए थे बस खत्म नारा लगाओ सपा, एक बार सपा वाले पहले हार गया। अखिलेश यादव अब बीजेपी बोले ना योगी वाले बोलिए बस सुन लीजिए, बोलो बोलो योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, 2022 में फिर से कमल खिलेगा। अब हम बस शांत नहीं जानते हैं क्या होता है ये हिंदू। सुनो हाँ। तुम लोगों ने बहुत बोला, एक बार एक एक काम करते हैं, इनको सुन लेते हैं फिर इनका जवाब लेके बंद करें। जय श्री राम। आखिरी पॉइंट हमारा सुन लीजिए, ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्या है, भैया देखो मतलब हिंदू और मतलब मुसलमान के मतलब नहीं लगी होती है, मंदिर के बारे में ये कहे हैं विरुद्ध में क्या बोले, तुम्हारे साथ परिक्रमा कर रहा है। मेरे को जवाब लेने दो, ये तो तुम्हारे ही साथ घूम रहा था ना अभी, विरोध में बोल हकीकत चौंधा बताए हकीकत ये कहे क्या बोले, हम गलत बोल रहे क्या पूछ रहे थे आप बताइए, हम बताते हैं आपको। भाजपा सरकार इसलिए बढ़िया है, आप बताइए अखिलेश जी ने आपके पास मुद्दे क्या हैं चुनाव लड़ने के लिए और आप कैसे बोल रहे हैं आप कैसे लड़ेंगे। अखिलेश जैसे कि सपा के जो इनके पार्टी अध्यक्ष हैं इनको यही नहीं पता है कि ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे जो है कंपेयर करते हैं जो है जिन्ना को, जिनकी देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं थी, ठीक है आप इन लोगों से कंपेयर करते हो और आप बोलते हैं कि अखिलेश की सरकार आएगी, मुद्दे आप हमसे पूछिए आप क्या मुद्दे लेके आप जो है दोबारा से यूपी में आपके हिसाब से आप यूथ हैं, एक सेकंड के लिए पार्टी पॉलिटिक्स अलग कर देते हैं, एज यंग पर्सन आपके हिसाब से मुद्दे क्या क्या। देखिए हमारे देखिए हम ये नहीं कहते कि सपा सरकार बहुत बुरी है, उसने अपने टाइम पे काफी कुछ अच्छा किया, लेकिन मोदी सरकार है, इसने हिंदुत्व को भी बढ़ाया, इसने मुस्लिम का कोई किसी का विरोध नहीं किया, मैं रोजगार के मुद्दे पे ही बात करो, अगर आप एलिजिबल हैं ठीक है, आप एग्जाम में बैठते हैं आप एग्जाम को क्रैक करते हैं आप आगे जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है, बट सपा सरकार में ये मैं अपनी आंखों से मैं भी एग्जाम में बैठा हूँ, ठीक है अगर आपके पास पैसा है ठीक है आप चाचा श्री के पास जाइए, ठीक है आप पैसे का बंडल रखिए, आप अपना जो है ज्वाइनिंग लेटर लीजिए जाइए सर ज्वाइनिंग करिए, आप में अंदर क्षमता है नहीं है डजंट मैटर। ये 14 कोसी परिक्रमा 14 कोसी के बाद ये एकादशी को 5 कोसी परिक्रमा होती है, ठीक है इसमें हिंदुओं की काफ़ी श्रद्धा जुड़ी हुई है आस्था जुड़ी हुई है और इसमें प्रशासन किसी को रोक रोक के नहीं भेज सकता। क्या मानते क्या मिलता है इससे, ये करने से हर चीज तो होता है बिहार में छठ होता है, वो हमारी आस्था है कि हमें क्या मिलता है भाई, वो हमारे अंदर की चीजें हैं। छठ पूजा की बात आप कर रहे हैं तो छठ पूजा करने से क्या मिलता है, क्या मिलता है
हाँ जी ऐसे ही सेम ये भी है ना कि हमारे मन में आस्था होती है, भगवान श्री राम में भगवान की आस्था रख के आता हूँ और उनके प्रति समर्पण है हमारा और नंगे पैर होके हम परिक्रमा करते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और हमारी श्रद्धा है कि हमारे जो मन में है विश वो भगवान पूरी करते हैं। जब से मोदी सरकार और योगी सरकार की यूपी में आई है लगातार अयोध्या में परिवर्तन की राह लगातार अग्रसर ही है, बिल्कुल विकास हो ही रहा है, यहाँ पे कोई रुका नहीं है। आनंद गुप्ता नाम है मेरा। तो आनंद जी क्या होना चाहिए? ऐसे कि योगी सरकार मतलब दोबारा आए और फिर जैसे बच्चों को मतलब वैकेंसी वैकेंसी के लिए जैसे आर्मी वर्मी की वैकेंसी के लिए बच्चे कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं मिल रहा उनको, तो मेरा मानना है कि चुनाव से पहले होगा ऐसा, अभी मतलब थोड़ा व्यस्त हैं और सारी कार्य को लेकर, मतलब योगी जी जैसे विकास को लेकर अभी कर रहे हैं ये सब भी। परिक्रमा करने आए यहाँ पे? होगी परिक्रमा? यस। थोड़ा समझाइए कि परिक्रमा में होता क्या? कुछ ज़्यादा खास तो हमें नहीं मालूम है। लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया होगा यहाँ पे? मतलब जैसे सेकंड वेव आ गया तो इसी की वजह से कुंभ हो रहा था, उधर और चीज़ें हो रही थी, तो डर है क्या थर्ड वेव आ जाए? ये सर है बट मास्क नहीं लगाए। क्या जैसा मास्क अपनी अपनी पसंद? नहीं मास्क इसलिए कोरोना पसंद है क्या थोड़ी? अरे बात ऐसी है कि चुनाव है 4-5 महीने बाद, क्या होना चाहिए मुद्दा? यूथ के दिमाग में क्या चल रहा है? जो 18 वाले हैं क्या चाहिए सरकार से? मंदिर तो बन गया। यस सरकार से पता नहीं हमें क्या चाहिए। भाई यार विकास चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनको नौकरी चाहिए, जो पहले डिग्री ले लेते थे ना उनको नौकरी मिल जाती थी, वो सारे नियम अब वैसे भी बंद हो चुके हैं, बस यही हमको विकास चाहिए, महंगाई थोड़ी कम हो। तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी रहना चाहिए, बाकी तो बात की बात है। धर्म के मामले में अगर आप चलेंगे तो फिर धर्म ही आगे आएगा, लेकिन अगर आप देश के बारे में सोचेंगे तो पहले तो बेरोजगारी के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद में दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी सब बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी है। तो ये हमारे साथ अयोध्या के यूथ थे, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि पंचकोसी परिक्रमा हो रही है, मान्यता ये है कि जन्म जन्मांतर का पाप इससे कट जाता है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, हजारों लोग हैं, श्रद्धा का मामला। उसमें हमने यूथ से दो बड़ी जो चीज़ें हैं कि चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस पर बात की, और दूसरी जो बात की वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर की। आपने उनके जवाब सुने होंगे और आपको समझ में आएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।